दोस्तों कैसे हैं आप सब। वीडियो का थंबनेल और वीडियो देखकर तो आप समझ चुके हैं कि हम किस तरीके से स्टेटस वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि बहुत आसान तरीके से होने वाली है। इसको बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है वी एन एप्लीकेशन की। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको जैसे ही ओपन करते हैं, कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक प्लस वाला आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नजर आएगा न्यू प्रोजेक्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद यहां से आपको फोटो वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से एक मरतबा आपको अपने डीपी पर क्लिक कर देना है। नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाने के बाद ये जो ओरिजिनल ऑप्शन है देख सकते हैं ये वाला, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ से आपको इंस्टाग्राम वाला एक साइज देखने को मिल जाता है 1x1 का, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। इस तरीके से तो ये यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। अप्लाई हो जाने के बाद आपको इस पर क्लिक करके फिंगर की मदद से इस तरीके से थोड़ा छोटा कर देना होगा और इसको यहाँ पर लगा देना है। लगा देने के बाद आखिर में देखेंगे आपने जो डीपी ऐड की है इसके आखिर में एक ब्लैक वाटर मार्क देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करके डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो इस तरीके से ये भी डिलीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक करके आपने जो डीपी ऐड की है इसकी लेंथ को बढ़ा देंगे, जितनी भी आप रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसको बढ़ा देंगे। तो हमने यहाँ पर बढ़ा दी है इस तरीके से। उसके बाद हम फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद ये जो वीडियो एंड फोटो का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके, यहाँ पर ये जो फोटो वाला ऑप्शन है इसी पर आपको क्लिक करके यहाँ से अपनी दूसरी डीपी ले लेनी है कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये आ चुकी है, इसको भी हम थोड़ा छोटा कर लेंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे। रखने के बाद इसकी भी लेंथ को हम बढ़ा देंगे इसी तरीके से। इतना काम हमारा हो जाने के बाद दोबारा से हम फिर से इसी वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद वीडियो एंड फोटो में जाके यहाँ पर हम इसमें एक ग्रीन स्क्रीन कुछ इस तरीके से लेने वाले हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी मटेरियल हम यूज़ करेंगे सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ से ये जो फिल वाला ऑप्शन है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से फुल स्क्रीन में अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई हो जाने के बाद इसकी भी लेंथ को हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर इतना काम ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्रोमा, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से ग्रीन स्क्रीन पर इस तरीके से रख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं इसकी सेटिंग है, इनको आप अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद राइट ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद अब इनकी सेटिंग आपको कुछ इस तरीके से करनी है। ये जो नीचे की डीपी है इस पर आपको क्लिक करना है इस तरीके से और फिंगर की मदद से यहाँ पर इनको सेट कर देना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर की मदद से हम इसको जैसे करेंगे, हम इसको पहले तो यहाँ पर रखने वाले हैं। रखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा की फ्रेम, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद अब आप इसको यहाँ पर आखिर में ले आएंगे कुछ इस तरीके से। हम इसको आखिर में ले जाते हैं, यहाँ पर आखिर में ले जाने के बाद इसको हम थोड़ा सा इधर करेंगे फिंगर की मदद से, देख सकते हैं इसको हम यहाँ पर ले आएंगे। तो इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखा दें। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से इसमें ये इफेक्ट लग चुका है। लगने के बाद अब क्या करेंगे, हमारी जो दूसरी डीपी है ये वाली, इसके ऊपर वाली, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको भी फिंगर की मदद से इस तरीके से हम ले आएंगे इधर। तो देख सकते हैं इसको भी हम सीधा करेंगे फिंगर की मदद से। आप दोनों फिंगर की मदद से करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें ये वाला इफेक्ट लग सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आ चुका है। अब हम इसको प्ले करेंगे तो इस तरीके से इसकी सेटिंग हो चुकी है। होने के बाद हम यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे, वीडियो एंड फोटो में जाएंगे, वीडियो वाले ऑप्शन में ही हमें रहना है। ये वाला जो वीडियो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर इसमें हम लेने वाले हैं एक म्यूजिक प्ले। तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमारे पास में यहाँ पर मौजूद है। इसको ही हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आएगा और थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो ब्लेंडिंग ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से ये जो ग्रीन स्क्रीन है देख सकते हैं स्क्रीन वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें से जो ब्लैक स्क्रीन है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है। अब हम इसको बड़ा करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर इसको सेट कर देंगे और देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये लग चुका है। एक और है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मैंने आपको थंबनेल में दिखाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से लग चुका है। अब आपको फिर इस वाले आइकन पर फिर से क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद वीडियो एंड फोटो में जाएंगे। वीडियो में रहने के बाद यहाँ पर रखेंगे एक लिरिक वीडियो हमारे पास में जो कि उर्दू में होने वाली है। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे इस तरीके से। रखने के बाद थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद यही ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके ये जो स्क्रीन है इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद राइट ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद देख सकते हैं इसको हम थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखा देंगे कि किस तरीके से इसमें इफेक्ट आया है। देख सकते हैं यहाँ पर ये आ रही है। इसको हम इस पर क्लिक करके इस तरीके से इसको यहाँ पर हम रख सकते हैं, इसको आगे पीछे जहाँ पर भी हम रखें इस तरीके से रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक वॉल्यूम का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है ये वाला, इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर इसकी वॉल्यूम है, इसको हम यहाँ पर 100% कर देते हैं। तो
किस तरीके से इसमें वॉइस आनी शुरू हो जाएगी। अब इतना काम ये हमारा हो चुका है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद राइट ऑप्शन है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये आपकी जो लाइब्रेरी है उसमें जाकर कैसे हो जाएगी। दोस्तों बस इतना ही था आज की वीडियो में, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।